चीन और पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में पहली बार अभ्यास कर रही है। त्रिशक्ति प्रहार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वेस्टर्न बॉर्डर के पास शुरू हुआ है। भारत के प्रोजेक्ट कुसा फेज वन 2025 से पहले शुरू होगी। तेजस मार्क वन को दुबई एयरशो 2023 में यूएई द्वारा डेवलप LRPGM के साथ प्रदर्शित किया गया है। शनिवार को कराची में एक नौसैनिक अड्डे पर चीनी और पाकिस्तानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किया है। इसमें एंटी सबमरीन ऑपरेशन को भी शामिल किया गया है। चीनी नौसेना ने एक डिस्ट्रॉयर, दो मॉडर्न फ्रिगेट, एक कन्वेंशनल अटैक सबमरीन और एक सबमरीन सपोर्ट शिप भी भेजा है। हाईली एंटीसिपेटेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार सोमवार को जैसलमेर में राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर शुरू हुआ है। 25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल करते हुए यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 25 नवंबर तक जारी रहेगी। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, जो तीनों सेनाओं के बीच म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन पर जोर देता है। भारत ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुसा के तहत लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली LRSM मिसाइल के डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सिस्टम को 350 किलोमीटर की रेंज के लिए डिजाइन किया गया है, जो हवाई खतरों के खिलाफ एक एक्सटेंसिव डिफेंसिव शील्ड प्रदान करता है। भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1 में प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो 2023 में मुख्य भूमिका निभाई है। तेजस अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और क्षमता का पता लगाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया है। एयर शो की पहली झलक में तेजस मार्क 1 को LRPGM के साथ दिखाया गया है, जो UAE के ADG ग्रुप द्वारा डेवलप एक सटीक युद्ध सामग्री सिस्टम है। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।